YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आप की बुक है ना आपने सिर्फ वो लिखना है। आगे सर नदीम नंबर लाजमी तौर पर लिखना है, ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें है द फॉलोइंग डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ये डाटा दिया हुआ किलोमीटर्स में है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये किलोमीटर्स में है मीटर में है या क्या है, हमें इन वैल्यू से है कि ये, वैसे मैंने डिटेल बताई हुई है कि ये किलोमीटर में डिस्टेंस है जो 40 स्टूडेंट इसको ट्रैवल करते हैं टू रीच देयर स्कूल, अपने स्कूल पहुँचने के लिए। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ फासलों से आते हैं, कोई 2 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 8 किलोमीटर दूर से आता है, इस तरह करके ये सारे स्टूडेंट का उन्होंने डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो इस सारे डाटा का क्या करना है, इस डाटा का कंप्यूट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल, इनका मीन मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। आइए देखते हैं, तो मीन फाइंड करने का ये फार्मूला, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस करके इनको क्या करना है, डिवाइड बाय 2, चाहे ऐसे डिवाइड बाय 2 लिख लें या इधर ही एक लाइन लिख लें, क्योंकि ये पूरा है ना, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इन सारों को प्ले प्ले जब हमने प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे जगह कम है, तो टोटल जो वैल्यूज़ की तादाद है ये 40 लिखना था सॉरी, तो इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके 40 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो इन सारों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करके इसका जो आंसर आता है वो आता है 472 डिवाइड बाय 40, 472 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.8, तो ये इसका मीन आ गया। अब मीडियन के लिए इन वैल्यूज़ को पहले हम अरेंज करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इन तमाम वैल्यूज़ को पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब मीडियन का फार्मूला जो कि इवन नंबर्स के लिए होता है, एन ओवर टू टर्म प्लस एन प्लस टू ओवर टू टर्म, इन सारा का जब आंसर आ जाएगा उनको फिर उस जगह पे वैल्यूज़ लिख के उनकी जो टर्म्स लिख के फिर उसको 2 से डिवाइड करना होता है। अब इसमें n क्या है, n वैल्यूज़ की तादाद, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 40 में 2 प्लस किया तो 42, n की जगह पे 40 आ जाएगा ना, 40 प्लस 2 ओवर 2 टर्म। अब 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20, तो 20 नंबर पे कौन सी टर्म आती है, 20 नंबर पे जो टर्म आती है ना, अब इसको जब काउंट करोगे ना यहाँ से तरतीब के साथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 10 है, यानी इसका आंसर आ गया ना 20th टर्म, यानी कि 20वें नंबर पे जो 20वीं पोजीशन पे टर्म है ना वो टर्म आएगी, इसमें 20 आंसर नहीं है, उस पोजीशन पे यानी 20वें नंबर पे जो टर्म है वो 10 है, 10 और 40 में 2 प्लस किया तो 42 को 2 से डिवाइड करके 21, तो 20 पे भी 10 था और उससे अगला नंबर भी 10 ही है, यानी 21 नंबर पे वाली जो टर्म है वो भी 10 ही है। अब 10 में पहले 10 को प्लस किया 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 इसका मीडियन आ गया। अब अगला स्टेप आता है मॉड का, मॉड होता है जो सबसे ज़्यादा मर्तबा वैल्यू आ रही होती है, तो अब देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा मर्तबा कौन सी वैल्यू आ रही है, इसमें जो 10 है वो भी 4 मर्तबा आ रहा है, जो 1 है ये भी 4 मर्तबा आ रहा है, 5 भी 4 मर्तबा आ रहा है और 10 भी 4 मर्तबा आ रहा है, बाकी वैल्यू इससे कम दफ़ा आ रही हैं, ठीक है ना, 4 मर्तबा जो वैल्यू आ रही है ना वो ये 3 ही हैं, 1, 5 और 10, तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा मॉड में 1 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा, तो ये इसके मॉड का आंसर आ गया।